हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन फिफ्टी ट्रेड चैनल पे। यहाँ से गाइस हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और वो कोर्स है हमारा वर्डप्रेस में विजेट कैसे डेवलप करते हैं। इस कोर्स में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्डप्रेस में विजेट क्या होते हैं, हमारे लिए कौन से क्लासेस और कौन से वर्डप्रेस फंक्शंस होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने विजेट को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर विजेट में हमारे पास अगर वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट फंक्शंस को यूज़ करना पड़े, साथ ही साथ अगर थर्ड पार्टी API यूज़ करना पड़े, तो उनको यूज़ करके हम कैसे अपने विजेट्स को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। जबकि ये हमारा पहला पार्ट है, इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि वर्डप्रेस विजेट क्या होते हैं। अगर हम एज्यूम करें कि हमारा एक स्कूल वेबसाइट है, वो स्कूल वेबसाइट अगर वर्डप्रेस से बनी है, अगर उस स्कूल वेबसाइट के जरिए अगर हमें कोई अनाउंसमेंट करना हो, लाइक COVID-19 के वजह से हमारा स्कूल कब रीओपन हो, कब एडमिशन चालू होगा, ऑनलाइन कोर्सेज का क्या शेड्यूल है, साथ ही साथ अगर स्टूडेंट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारे यूजर्स को देनी हो, तो हम विजेट्स के जरिए अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। विजेट्स वर्डप्रेस में कुछ नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं जो कि एक सेक्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। उन इन्फॉर्मेशन के जरिए हम अपने एंड यूजर्स को, साथ ही साथ अगर वेबसाइट में हमारे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उन ट्रैफिक यूजर्स को हम अपने इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। अगर मैं जाऊँ अपने ब्राउज़र पर, ये रहा हमारा क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर जो हमने सेटअप यूज़ किया हुआ है WP-Visit, वो एक लेटेस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड वर्जन है। और जो वर्डप्रेस का जो करेंटली एक्टिवेटेड लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा 5.4.1। अगर मैं वर्डप्रेस के रिपोजिटरी पे जाऊँ, ये है ऑफिशियल वेबसाइट वर्डप्रेस की। अगर मैं क्लिक करूँ गेट वर्डप्रेस पे, आप देख सकते हैं जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का वो है 5.4.1। हम अपने कस्टम विजेट को 5.4.1 में डेवलप करने वाले हैं। इस सेक्शन में अगर सपोज कोई आपसे पूछे कि इस थीम में, मीन्स इस वर्डप्रेस वेबसाइट में कौन सी करेंटली एक्टिवेटेड थीम है, आपको जानने के लिए अगर आप जाओ अपीयरेंस में, थीम्स में, आप देख सकते हो इस थीम्स पैनल में आपको करेंटली एक्टिवेटेड थीम दिख जाएगी और जो हमारे पास अभी एक्टिवेटेड थीम है वो है 2020। ये है WP-Admin के जरिए पता करने का तरीका। अगर सपोज हमारे पास WP-Admin का एक्सेस ना हो, मीन्स हमारे पास कोई एडमिन डैशबोर्ड ना हो, अगर हमें फ्रंट एंड साइट मिले, फ्रंट एंड साइट से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, सिंपली अगर मैं क्लिक करूँ Ctrl-U और कंट्रोल यू करने के बाद अगर मैं स्क्रॉल करूं, आप देखोगे यहां पर सर्च WP-Content। यहां पर WP-Content जैसे ही सर्च करोगे, आप देख सकते हो यहां हमारे सोर्स कोड में WP-Content, यहां हमारे पास थीम्स फोल्डर, साथ ही साथ यहां पर हमारे पास करेंटली एक्टिवेटेड थीम है वो है 2020। ये है हमारे सोर्स कोड के जरिए एक्टिवेटेड थीम का पता करने का तरीका। हमारे पास काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम अपने करेंटली एक्टिवेटेड थीम को पता कर सकते हैं। अब मैं विजेट्स की बात करता हूँ। इस अपीयरेंस टैब में हमारे पास एक सब मेन्यू है कॉल्ड विजेट्स। अगर मैं इसे क्लिक करूँ, और जहाँ तक कि हमने डिस्कस किया है कि वर्डप्रेस विजेट्स कुछ नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर बॉक्स होते हैं जिसके जरिए हम अपने एंड यूजर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा विजेट्स पैनल है। इस विजेट्स पैनल में आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि जितने विजेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कॉल्ड आर्काइव्स, ऑडियो, कैलेंडर, कैटेगरीज, कस्टम HTML, ये सारे वर्डप्रेस डिफॉल्ट विजेट्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में दो फुटर्स हैं कॉल्ड Footer 1 और Footer 2, ये डिपेंडेंट होते हैं हमारे करेंटली एक्टिवेटेड थीम में। अगर आपको एक कस्टम थीम बनानी आती हो, तो आपने देखा होगा कि आप अपने कस्टम तरीके से उस कस्टम थीम में साइड बार्स को रजिस्टर कर सकते हो। जो हमारे पास करेंटली एक्टिवेटेड थीम है वो है 2020। उस कस्टम थीम में, लाइक 2020 में, हमारे पास दो साइड बार रजिस्टर्ड हैं। हम अपने वर्डप्रेस फंक्शंस को यूज़ करके अपने साइड बार्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये रहे हमारे दो साइड बार जो कि 2020 एक्टिवेटेड थीम सपोर्ट करती हो। इन फुटर्स को अगर मैं ओपन करूँ, इस Footer 1 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेटिव बॉक्स हैं वो है एक सर्च बॉक्स, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स। अगर मैं जाऊँ इस Footer 2 पे, हमारे पास है एक आर्काइव्स,
कैटेगरीज मीटा और यहाँ पर हमारे पास एक कोविड-19 का एक कस्टम विजेट है। अगर मैं किसी भी विजेट को अगर ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली हमें यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर ड्रॉप करना है। यहाँ पर अगर मैं टाइटल दूँ तो ये टाइटल इस विजेट की होगी जो कि मैं ऐड करने वाला हूँ अपने इस फुटर वन एरिया में। सो अगर मैं इसे रिमूव करना चाहूँ, सिंपली मैं इसे ओपन करके अगर मैं डिलीट करूँ तो भी ये डिलीट हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके अगर वापस से ड्रैग ड्रॉप कर दूँ बाहर तो ये डिलीट हो जाएगी। सो अगर मैं जाऊँ इसके फ्रंट एंड लेआउट पे, सो ये है हमारा 2020 एक्टिवेटेड थीम का हमारा करंट फ्रंट एंड लेआउट। सो इस फ्रंट एंड लेआउट पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ, अगर मैं इसके फुटर पे जाऊँ, सो ये है हमारा फुटर वन। ये है फुटर वन जहाँ पर हमारे पास एक सर्च बॉक्स है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स है, और ये है हमारा राइट हैंड साइड बार जो कि फुटर टू है। इस फुटर टू में हमारे पास एक आर्काइव्स का सेक्शन है, सैम्पल कैटेगरीज है और मेटा है। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, सो इसलिए हम इसे विजेट कहते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में हम ये भी देखेंगे कि हम अपने कस्टम विजेट कैसे बना सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमने एक अपने कस्टम विजेट को बना के इंस्टॉल किया हुआ है इस वर्डप्रेस सेटअप के अंदर, और वो है हमारा कोविड-19 विजेट। अगर मैं जाऊँ इसके प्लगइन सेक्शन में, क्लिक करूँ इस प्लगइन सेक्शन पे, और ये जो हमारा प्लगइन सेक्शन है ये शो करता है कि हमारे पास कितने प्लगइन्स अवेलेबल हैं, उनमें से कितने एक्टिवेटेड हैं एज वेल एज कितने डीएक्टिवेटेड हैं। सो करेंटली हमारे इस वर्डप्रेस सेटअप में 3 प्लगइन्स हैं, उन 3 प्लगइन्स में एक एक्टिवेटेड है, बाकी के 2 अभी इनएक्टिव हैं। सो ये है हमारा कस्टम विजेट जो कि हमने बना के इंस्टॉल किया हुआ है और उसे एक्टिवेट किया हुआ है। उसे एक्टिवेट करने के साथ अगर मैं जाऊँ अपेयरेंस अपने विजेट्स के अंदर, सो उसे इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास एक टैब बना हुआ है और वो है OWT COVID-19। सो सिंपली इसे मैं ड्रैग करके इस इन्फॉर्मेशन बॉक्स को ड्रैग करके हमने अपने फुटर टू में ड्रॉप किया हुआ है, और ये है हमारा इन्फॉर्मेशन बॉक्स, ये रहा हमारा टाइटल। सो इस विजेट के अंदर हमने थर्ड पार्टी API यूज़ की है, ये है हमारा COVID-19। सो फिलहाल हमारे पास कितने कन्फर्म्ड केसेस हैं, कितने डेथ हो चुके हैं, कितने रिकवर्ड हैं, एज वेल एज कंट्री वाइज हमारी क्या स्टैट्स हैं, उन सारे इन्फॉर्मेशन को हमने अपने कस्टम विजेट जरिए डिस्प्ले किया हुआ है। सो अगर आपको थर्ड पार्टी API यूज़ करनी हो, हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। सो ये है हमारा पहला पार्ट। सो इस पहले पार्ट में हम सिर्फ विजेट को समझ रहे हैं। सो इस वीडियो सेशन में मैंने जो थर्ड पार्टी API यूज़ की है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कॉल COVID-19 APIs, तो सर्च करने के साथ हमारे पास काफ़ी लिंक्स होंगे इस गूगल पे। सो मैंने क्लिक किया हुआ है पोस्टमैन COVID-19 API रिसोर्स सेंटर, इस पे क्लिक करते ही आपको ये पोस्टमैन का सेक्शन मिलेगा। सो सिंपली अगर आप इस समरी पे क्लिक करो, सो यहाँ पर हमारे पास समरी URL है। सो इस समरी URL में आप देख सकते हैं हमारे पास एक JSON ऑब्जेक्ट डेटा है। इस JSON ऑब्जेक्ट डेटा में हमारे पास एक ग्लोबल की है, साथ ही साथ एक कंट्री वाइज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की है। इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के बाद ग्लोबल, जो कि ग्लोबल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, साथ ही साथ कंट्री वाइज इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ करके यहाँ पर यह इन्फॉर्मेशन शो किया हुआ है। सो इस कोर्स में गाइज हम हर कंडीशन, हर सिचुएशन, हर डेवलपमेंट मोड को समझने वाले हैं, जिसके जरिए हम अपने कस्टम विजेट को वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी फाइल होती है, कौन से ऐसे क्लासेस होते हैं, साथ ही साथ कौन से ऐसे वर्डप्रेस फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने कस्टम विजेट को डेवलप कर सकते हैं। सो कस्टम विजेट बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर हम एक प्लगइन बना के इंस्टॉल करके उस कस्टम विजेट को एक्टिवेट करें, सो ये हमारा पहला तरीका है। अगर हम प्लगइन के बजाय अगर अपने कोड को functions.php में हम पुट कर दें, सो functions.php हमें पता है कि वो जो functions.php फाइल होती है वो हर थीम की एक फंक्शनल फाइल होती है। सो उस functions.php फाइल के जरिए हम अपने कस्टम विजेट को डेवलप एक्टिवेट कर सकते हैं।
सो इस पूरे कोर्स में गाइस हम एक प्लगइन बनाने वाले हैं, वो होगा हमारा कस्टम विजेट प्लगइन। जैसा कि हमने अभी देखा है, अगर मैं जाऊँ प्लगइन सेक्शन में इंस्टॉल प्लगइन्स में, सो ये हमारा एक प्लगइन है। इस प्लगइन को हमने क्रिएट किया हुआ है, कुछ क्लासेस को इनहेरिट किया हुआ है, कुछ फंक्शंस को यूज़ किया हुआ है। सो इस प्लगइन के जरिए हम ये जानेंगे कि अपने विजेट्स को कैसे एक्टिवेट करना है, साथ ही साथ कैसे डेवलप करना है। सो इस वीडियो सेशन में गाइज आपको कहीं भी दिक्कत आए आप हमारे लिए कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।